ऑल राइट गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम जो IGTV पे पोस्ट डालते हैं या वीडियोस डालते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं, क्राउजल डालते हैं, फ़ोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, ये सब चीज़ें हमको कहाँ मिल जाएंगी जब हम IGTV पे हम फोटो डालेंगे, वीडियो डालेंगे। देखो, एक IGTV पे हम वीडियो IGTV के थ्रू डालते हैं अपने मोबाइल से, एक इंस्टाग्राम पे ही हम, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इंस्टाग्राम में डालता हूँ कहाँ कहाँ से हम डाल सकते हैं, पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। लेकिन बेस्ट वे कौन सा है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ, कहाँ से हम अपलोड करेंगे, वहाँ सारी चीज़ें हम वहाँ पर कर सकते हैं। ये मेरा बाय द वे इंस्टाग्राम, अगर अभी तक फॉलो नहीं किया आपने मुझे, फॉलो कीजिए, आपको इसी तरह से वीडियो मिलती रहेंगी। देखिए, यहाँ पर हम आते हैं, क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपने उस पर, यहाँ पर देखिए IGTV है, IGTV पर यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से हम अपलोड करेंगे। जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आपको ये देखिए, यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, यहाँ पर सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये एक हो गया ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है IGTV। यहाँ पर स्टोरीज है, यहाँ पर क्राउजल है, क्राउजल का मतलब कई सारी इमेजेस होती हैं। ओके, तो ऑल कंटेंट हो गया। और यहीं पर देखिए फेसबुक है, तो मैं फेसबुक की बात ना करके मैं सिर्फ आप कौन सी बात करूँगा, इंस्टाग्राम की। यहाँ पर देखिए क्रिएट पोस्ट है, क्रिएट पोस्ट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम फीड है, अगर इंस्टाग्राम फीड करेगा तो यहाँ पर इंस्टाग्राम फीड का ऑप्शन दिखा देगा, इस पर क्लिक करते हैं हम। पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि है था क्या है। देखिए यहाँ पर राइट योर कैप्शन, यहाँ पर सारी चीज़ें, ऐड लोकेशन, ऐड कंटेंट, यहाँ पर, और यहाँ पर फेसबुक का है वो हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐड कंटेंट, चूज द फोटोज एंड वीडियोज दैट यू लाइक टू पोस्ट, ऐड कंटेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे, और फ्रॉम फेसबुक। और देखिए यहाँ पर अच्छा ऑप्शन है, फेसबुक पेज से भी आप ला सकते हैं, यानी वहाँ पर अपने पेज बना रखा है, और यहाँ पर अपलोड फाइल भी कर सकते हैं, यानी अपने लैपटॉप से ला सकते हैं। एक ये ऑप्शन हो गया। और दूसरी चीज़, जब आप अपलोड यहाँ पर लाएंगे, मैं करता हूँ यस, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पर क्रिएट पे जाते हैं, यहाँ पर IGTV पे क्लिक करते हैं, सेम ऑप्शन, यहाँ पर हम अपलोड करेंगे और यहाँ पर देखिए हम टाइटल डालेंगे, इसके वीडियो के बारे में बताएंगे, और यहीं पर देखिए 30 मेंशन #30, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है 30 से ज़्यादा #hashtag नहीं होना चाहिए, इन्होंने इसमें लिख रखा है, बता दिया मेंशन। यहाँ पर देखिए वीडियो कस्टम अपलोड है, यहाँ पर जैसे आपने वीडियो ली, जैसे सपोज मैं एक वीडियो ले लेता हूँ, ये मैं वीडियो ले लिया, ठीक है, उसके बाद जैसे हम इसको लेंगे ये हमारा अपलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपका होगा, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, वो लिखेंगे, यहाँ पर आप कस्टम अपलोड करेंगे इमेज को, ठीक है। अगर आपका पहले से इमेज अच्छा है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, उसको किसी को चूज़ कर लेंगे, वो एक कस्टम अपलोड हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए पब्लिश का ऑप्शन है, पब्लिश को पब्लिश करेंगे तो पब्लिश हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए साइड कॉर्नर पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें मिलती हैं, एक पब्लिश नाउ जो ऑटोमेटिक रहता है, एक शेड्यूल रहता है, शेड्यूल पर हम जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए बेस्ट ऑप्शन, यानी जैसे YouTube पे आप देखते हैं वहाँ पर भी शेड्यूल का ऑप्शन है, यहाँ पर भी वही शेड्यूल का ऑप्शन, जैसे आपको कहीं जाना हुआ तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, जैसे मुझे आज ही अब करना है तो आज मैं डेट रखूँगा, कल करना है तो कल का, जैसे मुझे सपोज मुझे कल करना है, कल का कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए टाइमिंग है, टाइमिंग यहाँ पर चलता है 24, 21, 22, इस हिसाब से चलता है, तो यहाँ पर टाइमिंग क्या रहेगी वो आप पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर 12 बजेंगे तो 12, ऊपर जाएंगे 13, मतलब 1, 14, 15, 16, 17, 18, इस हिसाब से चलता है। अगर आप 21 कर देंगे तो 21 नाइट में होगा जो वो आएगा, 22 करेंगे नाइट में आएगा, और सुबह आपको डालना है तो 8, 9 इस तरह करके आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, मैं ले लेता हूँ, सपोज़ मैं ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 19, और मैं यहाँ पर
जीरो जीरो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने जीरो जीरो कर दिया। अब ये हम इसको शेड्यूल होगा, हम इसको शेड्यूल कर देंगे ऐसे, शेड्यूल पे मैंने रखा है। और एक ऑप्शन है सेव एंड ड्राफ्ट का, सेव कर लेंगे और उसको रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो पेज है फेसबुक पर, उसको भी आप क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी इसको नहीं लेता हूँ, इसको बाद में लेंगे। उसके बाद और मैं सब कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए इनसाइट का ऑप्शन है, कंटेंट लाइब्रेरी में जाएंगे। यहाँ पर कंटेंट लाइब्रेरी में हमें पोस्ट में हमें यहाँ पर देखिए इनसाइट का ऑप्शन है, इनसाइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम आकर के देखेंगे कि हमारा पूरा ओवरऑल अभी तक क्या हुआ है, किस पोस्ट हुई है। देखिए फिगर कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ फिगर जा रहा है। अभी जब से मैंने डालना शुरू किया है 1 मई से, देखिए यहाँ से फिगर 29 अप्रैल से फिगर ऊपर 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 ही जाता रहा। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ऑल जीरो है, गेट इंट्रैक्शन जीरो है। यहाँ पर देखिए आपको प्रोफाइल विजिट कितना हुआ है, वेबसाइट विजिट कितना हुआ है, टेक्स्ट कितना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अकाउंट रीच कितना हुआ है, वो आपको यहाँ पर देखिए ग्राफ मिल जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। आप ऐड कराए होंगे तो वो ऐड का भी यहाँ पर ऑप्शन होगा। इंस्टाग्राम अकाउंट देखिए यहाँ पर, देखिए तो इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर आपका दिखा देगा। यहाँ पर व्यू अकाउंट है और रिमूव अकाउंट, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर दिखा देगा फॉलोअर्स कितने हैं आपके। आपको अदर इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कंटेंट लाइब्रेरी में जाते हैं हम। यहाँ पर देखिए वीडियोस जो आपने डाली होंगी वो होगी, ऑल कंटेंट यहाँ पर दिखाएगा। फ़ोटोज़ आपने जो डाले होंगे वो फ़ोटोज़ दिखाएगा। पब्लिश है, शेड्यूल है, कितने लाइक्स आए, डेट क्या थी, सब यहाँ पर आपको पता चल जाए। क्राउजल इमेज है, कितनी है, एक ही डाला है, कितने लाइक्स आए। स्टोरीज़ कितनी है, यहाँ पर देखिए स्टोरीज़ आपने जो डाल रखी होगी उस पर कितने कितने रीच हुई, कितने पब्लिश हुआ। और यहाँ से आप इसको व्यू पोस्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको डिलीट करना है। उसके बाद फिर मैं IGTV के बारे में आपको बताया हूँ कि IGTV में देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए व्यू पोस्ट करेंगे, अपलोड टू फेसबुक करेंगे, डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कमेंट भी आ गए, आपको कितने कमेंट्स भी मिले, 7 कमेंट मिले, 2 कमेंट मिले। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर भी फेसबुक का भी, फेसबुक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम का मैं दिखा रहा था। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में दोस्त, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आपको नेक्स्ट चीज़ें सिखाएंगे। बाय।